Hey guys, welcome back to my channel. Another video. It's gonna be an informative video. मुझे बहुत दिनों से queries आ रही है. मैं ये video बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन बनाना पड़ रहा है क्योंकि the problem is मेरे से बहुत parents और बच्चे connect कर रहे हैं और मुझे यही जो maximum 60-70% बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा budget it's not more than 25 lakhs, 30 lakhs और इस budget में I'm afraid it's not possible for Europe. सो लेकिन उनको अल्टीमेटली MBBS करने जाना तो है ही. ये तो है नहीं मैं बोलूँ ना बोलूँ वो तब भी जाएंगे. मैं हमेशा से प्रायोरिटाइज करते रहा हूँ यूरोप को, शेंगन कंट्रीज को, लेकिन अब जो बच्चे जा रहे हैं तो कम से कम वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाए जिनसे उनको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले. तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दे दूँ जिसके बेसिस पे बच्चा एक अपना कोर्स कंप्लीट कर पाएगा और अपने देश वापस जाके एक लाइसेंस लेने के बाद अपनी प्रैक्टिस भी कर पाएगा. तो आई एम ब्रिंगिंग टू यू द कंट्री कजाकिस्तान. बहुत ज़्यादा इसके लिए क्वेरीज थी मेरे पे, तो इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया वीडियो बनाने का. कि मैं एक और पॉइंट भी रखना चाहता हूँ कि बहुत पेरेंट्स आते हैं और बहुत बच्चे आते हैं, वो एक ही चीज़ बोलते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं, चलो यूरोप में ही ले लेते हैं, ज़्यादा एजुकेशन अच्छी है, ये है वो है, मैं लोन ले लूँगा. इसके लिए मैं एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा. अगर 25-30 लाख आपके पास है और आप मान के चलिए यूरोप में अल्टीमेटली कोई भी अच्छी से अच्छी शेंगन कंट्री में आपको 70 लाख से ऊपर चाहिए ही चाहिए. आप 40-50 लाख का लोन ले लेते हैं और ये फेज ऐसा है यूजी फेज. आपने यूजी कंप्लीट कर ली, आपने इतने साल पढ़ने के बाद लोन वगैरह सब ले लिया, आपने यूजी कंप्लीट करने के बाद लाइसेंस ले लिया, आपने काम करना चालू कर दिया. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम बेशुमार रकम या पैसे आना चालू हो जाएंगे. आपको पीजी जब तक करके कुछ अच्छा प्लेटफॉर्म या क्लिनिक खुद का या कोई एक अच्छी हॉस्पिटल में काम नहीं लग जाती तब तक आपकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं होने वाली है. ये सैड रियलिटी है इंडिया में कि सिर्फ MBBS से आपको इतनी खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है. तो ये चीज़ भी ध्यान रखें क्योंकि लोन एक ऐसी चीज़ है, एक तरह से स्लो पॉइजन है. और आपने कोई बड़ा रकम ले लिया, कल को आप वो चुका ना पाए तो बैंक भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है उसे आपसे कैसे लेना है. तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है. जितना चादर है उतना ही पैर फैलाना है. क्या आपका जितना आपके पास जो भी धनराशि है जो भी है उस बेसिस पे आप कितनी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में ना प्रॉब्लम आए, आपको ये चीज़ चूज़ करनी है. ये नहीं कि चमकी धमकी में. कई बार बच्चे लोग को भी अच्छा लगता है इंटरनेट पे देखना, अरे ये चीज़ अच्छी है वो चीज़ अच्छी है, लेकिन आपकी ये आपकी मतलब ड्यूटी बनती है उनको भी समझाना कि हम क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं. कि मैंने बहुत से ऐसे सिनारियो देखे हैं कि बच्चे थर्ड या फोर्थ ईयर में आते आते तक फीस पे नहीं कर पा रहे हैं, कल को वहां से फिर एक्सपेल हो जा रहे हैं, एजुकेशन भी खराब हो गई, टाइम भी खराब हो गया, ऊपर से लोन भी देना पड़ जाएगा. और तो ये चीज़ भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है क्योंकि एजेंट का काम है, वो तो चाहेगा कि आपको कितनी चीज़ें झूठ भी बता दे और फर्स्ट ईयर में ही आपको बोल दे कि नहीं नहीं इतने में सब कुछ हो जाएगा, 30 लाख बोल देते हैं, जबकि एक्चुअल में वो चीज़ और भी बहुत बड़ी होती है, 40-50 लाख तक भी पहुंच जाता है. और वो बच्चा एजेंट के दबाव में फर्स्ट ईयर तो हर चीज़ भर देता है, बाद में उसकी धनराशि खत्म हो जाती है, सेकेंड थर्ड ईयर तक आते आते पूरा पैकेज का पैसा खत्म हो जाता है. फिर आप यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि दया अन्न या कुछ करे. तो दैट्स वाई दिस वॉज माई मेन गोल कि मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ एक रियलिटी चेक कराने के लिए और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको देने के लिए. सो विल डिस्कस अबाउट कजाकिस्तान. देखो भाई, कजाकिस्तान के लिए ऑलरेडी बहुत वीडियोज बन रखी है मैंने देखे हैं इतने, और सब देखिए दिक्कत एक ही चीज़ है, कोई फैक्ट चेक नहीं करा रहा है. सबके सब एक तरह से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पहले फैक्ट चेक करना ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है. तो सबसे पहली बात मैं क्या चीज़ डिस्कस करूंगा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में. सबसे पहली बात हम QS वर्ल्ड रैंकिंग करेंगे डिस्कस, कितने बैचेस इंडिया के जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं क्योंकि 25 साल से बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे. और हाल ही में ये एरास्मस प्रोग्राम में भी इनरोल हुआ है तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है. जो यूनिवर्सिटीज़ हम डिस्कस करेंगे टॉप 1000 QS वर्ल्ड रैंकिंग में भी आ रही है. और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये उन बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए जो बच्चे इंडिया वापस जाकर सेटल होना चाहते हैं, ना कि वो बच्चे जिन्हें यूरोप में प्रैक्टिस करना है. तो यूरोप में अगर उन्हें मास्टर्स या कुछ करना है तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस कंट्री. अब ज़्यादा बेटर है कि कोई शेंगन कंट्रीज प्रेफर करें जहाँ पर प्रॉपर एफिलिएशंस हों. लेकिन अगर आप इंडिया वापस जाना चाहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये भी पता है कि पीजी के लिए पैसे बचाना है, कल को अगर पीजी के लिए सीट्स आपको गवर्नमेंट में मिले ना मिले तो वो भी चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है. हर चीज़ सोच समझ के चलना हमें पड़ेगा. तो यही चीज़ हम ये सीरीज़ में मैं ला रहा हूँ. आई विल टेक टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ फॉर कजाकिस्तान और उसका मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, आई विल कंबाइन इट. सो दिस वॉज एन इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर कजाकिस्तान. आर कजाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन टीम इज ऑलरेडी रेडी फॉर काउंसलिंग. एनी वन हु इज इंटरेस्टेड टू गैदर मोर डिटेल्स कैन कनेक्ट विद अस विद एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स दैट वी ऑफर. और आप जान जो भी चीज़ है वी कैन हैंडल प्रोफेशनली. उसके अलावा बाकी जो लेटर वीडियोज आने वाले हैं अपकमिंग डेज में आप वेट कर सकते हैं. सो यू नो व्हाट टू डू टू कीप सपोर्टिंग मी, यू जस्ट नीड टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड वी ट्राइंग टू पोस्ट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फॉर वेदर इट्स फॉर मेडिसिन, इंजीनियरिंग और एनी अदर कोर्सेज.
in this world. So just stay tuned. Peace.